हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रियल देसी तड़का में। आज मैं आप लोगों के साथ ये मालपुए की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी मिठाई होती है गाइस। राजस्थान का ये फेमस मालपुए है, रबड़ी के मालपुए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रबड़ी के मालपुए बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में इस कटोरी से 4 कटोरी दूध लिया है। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। इससे किनारे पे जो ये मलाई आ रही है इसको हम छुड़ाते हुए इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में। ये देखिए किनारे किनारे की जो मलाई है वो आप हमेशा वो इसको साथ साथ में छुड़ाते रहिएगा ऐसे। मेरा रबड़ी बनता है। तो चलिए हम मालपुए के चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। ये जो किनारे की मलाई रहती है इसको हमको छुड़ा छुड़ा के साथ में चलाना है। छेदार रबड़ी जिसे बोलते हैं, इसी से लच्छा बनता है हमारी रबड़ी में। तो चलिए इसको पकने देते हैं और चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे इसी कटोरी से 2 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी पानी। जितना आप चीनी लोगे उसका आधा पानी लोगे। तो बस इसको हम मिक्स कर देंगे और चल पकने देंगे। जब तक हमारा चाशनी तैयार होगा, चलिए देख लेते हैं हमारे रबड़ी की। ये देखिए रबड़ी हमारी हो रही है। 4 कटोरी मैंने दूध लिया था। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि 2 कटोरी से भी कम नहीं हो जाती, 1.5 कटोरी के लगभग। ये देखिए साइड की जो मलाई है इसको लेते हुए हमें इसको चलाना है। गेस्ट आ जाए आपके घर में अचानक से तो आप झटपट से इन मालपुओ को बना सकते। चाशनी जो है वो देखिए, इसमें शक्कर पूरी तरह से, चीनी जो है वो घुल चुका है और इसका पानी भी कम हो गया है। देख सकते हो इसमें तार बनने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी हो जाता है। आप चाहो तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हो। 3 से 4 मिनट में ये हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो जाएंगी। जो है वो रेडी हो रही है, आप देख सकते हो। इसमें मलाई नहीं जमने देना है हमें। साइड साइड में जो मलाई होते जाए उसको निकालते जाना है, उसको ऐसे छुड़ाते हुए मिक्स करना है। जो है हमारी वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब इसको हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ऐसे एक तार बनने लगे तो समझ जाइए कि आपकी चाशनी रेडी हो चुकी है। देख रहे हो आप हमारी रबड़ी, देखिए रेडी हो चली है। 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाएंगी। साइड की मलाई हमें निकालते रहना है। साइड साइड पे जो मलाई आती है ये देखिए, और इनको चलाते रहना है। हमें मलाई इसमें नहीं जमने देनी है। हमारी रबड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इनको ठंडा होने देंगे। रबड़ी में अपने हम 1-1 चम्मच मैदे को डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। मैंने 1 कटोरी दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और एक पेस्ट जैसा इसको बनाएंगे। डालेंगे, मिक्स करेंगे। एक साथ सारे मैदे नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा मैदा 1-1 चम्मच और मिक्स करते जाइए। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। थोड़ा मैदा लीजिए, डालिए और रबड़ी के साथ मिक्स कीजिए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दूध भी डालिए। ये देखिए, अगर आपको गाढ़ा लगता है तो आप थोड़ा सा इसमें दूध मिलाते जाइए। जितना अच्छा आप इनको मिक्स करोगे उतना अच्छा हमारा मालपुआ बनेगा। और हमारे दूध को भी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे वरना ये बहुत पतला हो जाएगा। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ही हम इसमें दूध डालेंगे। मालपुए का बैटर देखिए रेडी हो चुका है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। स्मूथ बैटर बनाइएगा, एकदम पतला भी ना रहे पानी जैसा और ना एकदम गाढ़ा रहे। आप
देख सकते हो ऐसा। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। पहले मालपुए फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है 3 चम्मच और 4 से 5 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे तो सिर्फ इसे देसी घी में या सिर्फ रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं। हमारा तेल या घी जो भी है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। रबड़ी मालपुआ को ही मावा मालपुआ भी कहते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अपने बैटर को डाल देंगे। मीडियम फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे और इनको पकने देंगे। ये देखिए नीचे से ब्राउन हो रहा है, अब इसको हम चिमटे की हेल्प से पलट देंगे। देखिए ब्राउन हो चुका है, चिमटे की हेल्प से इसको आराम से पलट लीजिए जिससे कि ये नीचे से भी इतने कलर इसका है। बीच बीच में ऑयल को जो है वो बीच में डालते रहिए ऐसे, ताकि हमारा बीच का पोर्शन जो है वो भी कच्चा ना रहे। ये देखिए ऐसा ब्राउनिश होने तक इसको पकाइएगा। ऐसे ही सारे मालपुआ को हम बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा मालपुआ जो है वो रेडी हो चुका है, अब हम इसको चिमटे की हेल्प से निकालेंगे और डायरेक्ट अपनी चाशनी में डाल देंगे। 3 से 4 मिनट चाशनी में रहने देंगे और फिर इनको हम निकाल के साइड में रख देंगे। चलिए ऐसे ही सारे मालपुओं को हम रेडी कर लेते हैं। देखिए दूसरा मालपुआ भी मैंने डाल दिया है और ऑयल को बीच में ऐसे डालते रहिएगा। फ्लेम जो है वो मीडियम रखिए। दूसरे मालपुए को भी मैंने चाशनी में डाल दिया है और ये देखिए मैं पहला वाला मालपुआ है ये चाशनी से मैंने निकाल लिया है। अगर आपका चाशनी गर्म है तो 2 से 3 मिनट उसमें रहने दीजिए मालपुए को, नहीं अगर आपका चाशनी ठंडा है तो आप 4 से 6 मिनट उसमें रहने दीजिए। ये देखिए हमारा रबड़ी के मालपुए जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। रबड़ी के मालपुए को ही मावा का मालपुआ भी कहते हैं। अगर आपको थोड़ा क्रंची चाहिए तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसा भी इस कलर का भी रह सकते हो। दोनों तरफ से मैंने बना के दिखाया है। कुछ लोगों को थोड़ा सा ब्राउन और क्रंची अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को सिर्फ सिंपल बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं पसंद रहता, तो आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हो। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि जो भी मेरा नोटिफिकेशन रहेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।